हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। आइए स्वागत करते हैं रियल कॉन्सेप्ट पे। देखिए बच्चों, जैसे आपको पता है कि मेंस्ट्रुएशन का पहला पार्ट हम लोग पब्लिश कर चुके हैं, जिसमें ट्रायंगल का जो एरिया और पेरिमीटर के बारे में मैंने चर्चा किया, और सर्किल का थोड़ा सा पार्ट, जैसे हम बात कर सकते हैं एरिया पेरिमीटर का जो थोड़ा सा पार्ट है सर्किल में, उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है। सर्किल को पूरा डिस्कस नहीं किया है। जब ज्योमेट्री हम पढ़ाएंगे तो सर्किल को पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। जितने थ्योरम है सर्किल के, सारे थ्योरम आपको हम बताएंगे कि सर्किल के थ्योरम कैसे हैं, उस पर कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ट्रायंगल और सर्किल में कुछ मैंने डिस्कस किया था। ट्रायंगल को बहुत ही विधिवत तरीके से डिस्कस किया था। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, तो उससे बाहर से कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मेरा दावा है। और क्वेश्चन बनाने का काम आपका है, गाइड मैं करूंगा, स्ट्रगल आपका है, स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, आज हम लोग का जो चैप्टर है, आज हम लोग का जो टॉपिक है, ये है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। क्योंकि कुछ बच्चों का ऐसे मैसेज था कि सर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, बेटा हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है, और मैं गणित का टीचर हूँ यानी मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, तो मैथ्स की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी अलग है। तो आप हिंदी समझते हो, मुझे पता आप हिंदी समझते हो। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आप नहीं समझते हो, उसकी वर्डिंग मैं इंग्लिश में कर दिया करूँगा, उसकी वर्डिंग कर दिया करूँगा, उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है, वो चिंता की विषय हमारे लिए नहीं है। तो आप लोग बस मन लगा के पढ़िए, नोट्स बनाते रहिएगा, अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। शायद विनय सर ने बताया कि 1-1.5 महीने बाद शायद एंट्रेंस एग्जाम भी है शायद आप लोग का, उसमें लग जाइए। मैं कोर्स आप लोग का कंप्लीट पूरी तरीके से कर दूंगा। मैथ्स के जो जो मुझे टॉपिक मिला हुआ है वो सारे टॉपिक मैं कंप्लीट कर दूंगा। बाकी जो विनय सर जाने, जिनसे पढ़वाए होंगे, बाकी कुछ टॉपिक आप लोग को मिला होगा, हमको जो टॉपिक मिला है सारे टॉपिक आपको क्लियर कर देंगे। आ जाइए, आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करते हैं, चतुर्भुज के बारे में बात कर रहे हैं। तो चतुर्भुज के प्रकार होते हैं, यानी हमने यहाँ पे लिखा है चतुर्भुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। भाई चतुर्भुज की बात करेंगे, चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के, इसके बारे में जानकारी पहले नोट्स बना लीजिएगा आप लोग, कहीं एक पेज में नोट करते जाइएगा। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें पहला जो हम लोग का होता है समांतर चतुर्भुज, जिसे हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं, इंग्लिश आपके सामने है, ध्यान रखिएगा। दूसरा हम लोग का है रेक्टेंगल, जिसको हम लोग आयत बोलते हैं, बहुत ही परिचित है इससे हम लोग। तीसरा है स्क्वायर, जिसे हम लोग वर्ग बोलते हैं, इससे भी परिचित है। चौथा रोम्बस यानी सम चतुर्भुज है, और पांचवा ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है। अब सबसे बड़ी बात है कि परिचित हम लोग सबसे हैं, लेकिन हम दो चीजों के बारे में कुछ ज्यादा ही जानते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में कुछ ज्यादा ही जानते हैं। भले हम लोग ट्रेपेजियम के बारे में कम जाने, रोम्बस के बारे में कम जाने, पैरेललोग्राम के बारे में कम जाने, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर के बारे में हम लोग जानते, अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जो आज का टॉपिक हम लोग का टॉपिक होगा, इन्हीं पांच चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल पे हम लोग बात करेंगे, इनकी क्वालिटी के बारे में चर्चा करें। क्योंकि बेटा किसी व्यक्ति की पहचान उसकी क्वालिटी से होती है, उसके चेहरे से नहीं होती है। चेहरे से भी होती है, लेकिन असली पहचान उसकी क्वालिटी से, उसकी गुण से होती है। तो असली पहचान चतुर्भुज की किससे होगी, इसकी शर्त से, इसकी कंडीशन से, इसकी गुण से होगी। तो जितनी भी क्वालिटीज होंगी सारी क्वालिटी को नोट कर लीजिएगा और रट जाइएगा, इससे बाहर से कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में। बाकी अदर वनडे भी एग्जाम आप दे सकते हो इसे पढ़ के। बहुत डीपली मैं नहीं जाऊंगा, बहुत डीपली जाऊंगा तो इसको पढ़ाने में मुझे लग जाएगा 10 लेक्चर पढ़ाने में लग जाएगा। केवल इस चतुर्भुज को पढ़ाने में मुझे 10 लेक्चर लग जाएगा, मुझे एक लेक्चर में यहाँ कंप्लीट करना है, मैं बहुत डीपली नहीं जाऊंगा। तो आपको जो जितना काम है उतना मैं डिस्कस कर रहा हूं, आ जाइए। तो आज का जो पहला हेडिंग डाल लेना बेटा आप लोग, पहली हेडिंग डाल लेना आप लोग, पैरेललोग्राम। पहला हेडिंग क्या डालोगे आप लोग, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। पहला हेडिंग डालो, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये समांतर चतुर्भुज है, पहली हेडिंग डाल लेना आप लोग।
समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम समांतर से स्पष्ट हो रहा है समांतर, समांतर रेखा शायद आपको ज्योमेट्री में हम पढ़ाएंगे। समांतर रेखा की जो डेफिनेशन होती है मैं यहां बता दूं आप लोगों को, कहते हैं कि समतल पर दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं जिनकी बीच की दूरी जो बीच का जो डिस्टेंस होता है हमेशा कांस्टेंट हो, हमेशा नियत हो, यानी कि जो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट हो, वो दोनों रेखाएं समांतर रेखा कहलाती हैं। ज्योमेट्री में बात करेंगे, आप फिजिक्स में प्रवणता भी पढ़े होंगे आप लोग, शायद समांतर रेखा की बात की जाती है वहां पे भी। आइए यहां हम बात कर रहे हैं समांतर चतुर्भुज की यानी पैरेललोग्राम की। नोट्स बनाते रहेगा, पहला हिंट डाल दीजिएगा, पहले मैं फिगर ड्रॉ करता हूं, यहाँ पे फिगर को ध्यान रखिएगा। बेटा फिगर थोड़ा सा देखिए, फिगर थोड़ा सा तिरछा बनता है, आयत और वर्ग से क्या बनता है, थोड़ा सा तिरछा बनता है। तो हम कहते हैं कि ये आपका ए हो गया फिगर, पहले हम ड्रॉ करके उसके बारे में चर्चा करते हैं। सी हो गया, डी हो गया, इसके विकर्ण हो गए, विकर्ण मतलब डायगोनल, इसके विकर्ण हो गए, डायगोनल्स हो गए, जो मिड पॉइंट इसको ओ मान लेते हैं हम लोग। आ जाइए, इसको हम लोग डी वन मान लेते हैं, इसको हम लोग डी टू मान लेते हैं, डायगोनल्स यानी समांतर चतुर्भुज यानी चतुर्भुज के डायगोनल्स हैं। चतुर्भुज में कितने डायगोनल्स होते हैं, केवल दो, चाहे सम हो, चाहे समांतर हो, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, चाहे हम कह सकते हैं समलंब हो, डायगोनल्स जो होते हैं कितने होते हैं, दो होते हैं। किसी भी चतुर्भुज में डायगोनल्स दो प्रकार के होते हैं, दो होते हैं, किसी में बराबर होते हैं, किसी में बराबर नहीं होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के बारे में बात करते हैं, तो इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। हम कहते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है, जिसे बोला जाता है। पहला पॉइंट डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, एक ऐसा चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हो। देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लिख लिख के बताएंगे तो बहुत ही ज्यादा समय लगेगा, तो मैं यहाँ पे लिख लिख के बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक ऐसा चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। आमने सामने की भुजाएं अगर हम बात करते हैं एडी को लेते हैं, तो एडी क्या होगा, एडी पैरेलल बीसी, एडी किसके पैरेलल होगा, बीसी के, और ये बराबर भी होगा, बोला एडी इक्वल टू बीसी, यानी पैरेलल भी होगा और क्या होगा, बराबर भी होगा। फिर एबी को लेते हैं, तो ए बी पैरेलल डी सी, और ए बी बराबर भी होगा, किसके, डी सी के बराबर होगा। यानी फिगर आपको दिख रहा होगा, इसका डेफिनेशन आपको समझ में आ रहा होगा। हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी आकृति, एक ऐसा चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो यानी पैरेलल हो तथा इक्वल हो, उसे हम लोग कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज। स्पष्ट है, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा समांतर हो, उसे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। उसके बाद से इसकी बात हम करते हैं परिमाप की, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा लोग फंस जाते हैं यहीं पे परिमाप निकालने पे, यानी इसको हम लोग कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर इसका जो परिमाप होता है बेटा, ये परिमाप होता है जैसे आयत का परिमाप होता है 2l + b, इसका भी परिमाप होता है, यानी चारों भुजाओं का जो योग होता है वो परिमाप कहलाता है। किसी भी आकृति का चारों भुजाओं का योग होता है क्या कहलाता है, जो त्रिभुज था उसके तीन भुजाएं थे, चतुर्भुज है चार भुजा होंगी, ये चारों भुजाओं का जो योग होगा वो क्या कहलाएगा, इसका परिमाप कहलाएगा। इसका जो क्षेत्रफल होता है,
यानी कह सकते हैं एरिया, एरिया जो होता है वो होता है, एरिया होता है आधार गुणे यानी बेस, यानी बेस गुणे ऊंचाई। इसका जो एरिया होता है बेस गुणे ऊंचाई। अगर ऊंचाई की बात करें तो हम लोग यहां से अगर रेखा खींचते हैं तो ऊंचाई का काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभी क्या हमेशा एग्जाम में पूछ देता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल बहुत कम लोग जानते हैं। आप जान जाइए इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, इसको स्पष्ट ध्यान में रखिएगा। आ जाइए इसके बाद से, ये परिमाप जान लिए, क्षेत्रफल जान लिए, इसके बाद से आप लोग इसकी कंडीशन के बारे में जानिएगा। इसकी कंडीशन क्या होती है, शर्त क्या होती है, कुछ शर्त है, इस शर्त के बारे में जानिएगा, कंडीशन के बारे में जानिएगा, इनकी कंडीशन से क्या होती है। पहला कंडीशन हम लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं। पहला, जो विकर्ण होता है यानी डायगोनल्स जो होते हैं, डायगोनल्स, डायगोनल्स जो होते हैं ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, आपस में याद रख लीजिएगा बराबर नहीं होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं आपस में बराबर नहीं होते हैं। यानी कह सकते हैं कि D1 नॉट इक्वल टू D2, डायगोनल्स बराबर नहीं होते। आपको एक चीज और बता दें कि जो डायगोनल्स होते हैं केवल रेक्टेंगल और स्क्वायर के ही बराबर होते हैं, बाकी किसी भी आकृति के डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं। यानी कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं। दूसरा हम नोट कर रहे हैं, इसको नोट करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण को मैंने बताया है, विकर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायगोनल्स कहते हैं। जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण होते हैं वो कोण समद्विभाजक नहीं होते हैं, समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, यानी कोण समद्विभाजक को इंग्लिश में बोलेंगे एंगल, एंगल बाई सेक्टर, सेक्टर नहीं होते हैं। आपसे यही पूछा जा सकता है, आपसे यही पूछा जा सकता है कि क्या पैरेललोग्राम जो आपका दिया है समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं क्या एंगल बाई सेक्टर होते हैं, तो आप कहोगे नहीं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपके सामने क्वेश्चन पूछूं कि क्या पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं क्या इक्वल होते हैं, तो आपका जवाब होगा कि नहीं, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं इक्वल नहीं होते हैं। दूसरा, अगर पूछा जाए कि जो पैरेललोग्राम है इसके जो डायगोनल्स होते हैं क्या एंगल बाइसेक्टर होते हैं, क्या ये कोण को दो भागों में बांटते हैं, तो आप कह सकते हो नहीं, कोण को ये कभी दो भागों में नहीं बांट सकते हैं। यानी दो चीज, दो पॉइंट नोट करना। तीसरी पॉइंट ये नोट करना, विकर्ण, विकर्ण एक दूसरे के, विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजक होते हैं, समद्विभाजक मतलब इक्वल डिवाइडर यानी इक्वल सेक्टर होते हैं। यानी क्या करते हैं, एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, समद्विभाजक होते हैं, डायगोनल जो होते हैं समद्विभाजक होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि डायगोनल है बी और डी और ए और सी, ये जो ये पॉइंट पे एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। ये क्या होगा, बराबर भागों में डिवाइड होगा। यानी कह सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे हम लिख सकते हैं कि ए ओ, ए ओ इक्वल टू ओ सी, ये बराबर होंगे, या बी ओ इक्वल टू ओ डी, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी स्पष्ट जान लीजिएगा कि डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे के समद्विभाजक होते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए कि जो डायगोनल्स होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं क्या एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो आप कह सकते हो यस, जो समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तीन क्वेश्चन यहां से नोट कर लीजिएगा, तीन कंडीशन समझ लीजिएगा, क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, क्या जो विकर्ण है बराबर है, क्या डायगोनल्स बराबर होते हैं, तो नहीं।
क्या विकर्ण एंगल बाय सेक्टर होते हैं यानी कोण समद्विभाजक होते हैं? तो नहीं। क्या विकर्ण एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं? तो हाँ, दोनों डायगोनल्स दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसके बाद आज ये चौथा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। तीन हो गया ये, चौथा जो हम लोग का क्या है, चौथा शर्त है हम लोग का, जो चौथा शर्त है हम लोग का, बोला जाएगा भुजाओं का वर्गों का योग, भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होते हैं, बराबर होता है। इसको स्पष्ट ध्यान रखिएगा, जो साइड्स हैं, साइड्स हैं उसका जो स्क्वायर करके सम करेंगे, जो डायगोनल है इसका स्क्वायर करके सम करेंगे इक्वल पर, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे हम बात करते हैं एडी, इसको नोट कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर, डीसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर, सॉरी सीबी का स्क्वायर, सीबी का स्क्वायर प्लस बी और ए का स्क्वायर इक्वल टू डी वन का स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर, सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होती है यहाँ पे। कभी कभी हमारे समांतर चतुर्भुज की चार भुजाएं नहीं, पैरेललोग्राम के चार भुजाओं में से तीन भुजाएं देता है, चाहे चारों भुजाएं देता है, और एक डायगोनल देता है, दूसरा डायगोनल पूछ देता है, तो इसी शर्त से हम लोग निकाल सकते हैं कि भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। जो ये शर्त है किसी भी चतुर्भुज में लागू हो सकता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में लागू हो सकता है, चाहे सम हो, चाहे समांतर हो, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, ये जो है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में लागू हो सकता है। इसको इम्पोर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आज इसके बारे में, इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं, चार हो गया, इसके बाद पांचवा पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कंडीशन जो है सर्च है पांच नंबर, कंडीशन जो है वो पांच नंबर, वो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है, सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है, उसको नोट कर लीजिएगा। बोला जाता है विकर्णों के कोण समद्विभाजक, कोण कोण समद्विभाजक से बनी आकृति आयत कहलाती है, आयत कहलाती है। बहुत से पार्ट डिस्कस करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करा रहे हैं, बोला गया है कि देखिए ध्यान से सुनिएगा, विकर्ण यानी डायगोनल्स जो हैं, डायगोनल्स के कोण समद्विभाजक से यानी एंगल बाय सेक्टर से जो बनी आकृति वो क्या कहलाती है, रेक्टेंगल कहलाती है। स्पष्ट समझ लीजिएगा, पहली बार मैंने बताया था कि जो डायगोनल्स होते हैं एंगल बाय सेक्टर कभी नहीं होते हैं, कभी एंगल बाय सेक्टर नहीं होते हैं, क्योंकि जो आकृति वो तिरछी है, अगर आकृति सीधी होती तो एंगल बाय सेक्टर होते हैं, लेकिन आकृति तिरछी है इसलिए एंगल बाय सेक्टर वो नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लोग का चतुर्भुज सामने दिखाई दे रहा है, पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो पैरेललोग्राम है इसके जो डायगोनल्स हैं, जिसको इसके डायगोनल्स हैं अगर एंगल बाय सेक्टर हो तो जो भी आकृति बनेगी, जो भी आकृति बनेगी, जो भी डायग्राम बनेगा वो डायग्राम कौन सा होगा, तो आपका जवाब होगा और डायग्राम रेक्टेंगल होगा। जैसे कि आप देख लीजिएगा ध्यान से, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर एंगल बाय सेक्टर किया जाए तो यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि हम लोग का क्या है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ऐसे बनता है,
ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया। अगर एंगल बाई सेक्टर होगा तो एंगल बाई सेक्टर यहां मिलेगा, एंगल बाई सेक्टर यहां मिलेगा, एंगल बाई सेक्टर यहां मिलेगा, एंगल बाई सेक्टर ए यहां मिलेगा। तो जो ये आकृति आपकी बन रही है, यही पूछा जाएगा कि आकृति कौन सी बनेगी, समांतर चतुर्भुज बनेगी कि आयत बनेगी, ऑप्शन भी दिया जाएगा कि क्या बनेगी। इसको मान लेते हैं P, इसको Q, इसको R, इसको S मान लेते हैं, इसको S मान लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर एक कोण समद्विभाजक होगा, एक कोण समद्विभाजक होगा तो दोनों का योग 90 होगा, तो ये शायद 90 होगा, ए 90 होगा तो ए भी 90 होगा, ए भी 90 होगा और ए भी 90 होगा और ए भी 90 होगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर और क्या होंगे, समांतर होगी। ये जो आकृति बनेगी है क्या बनेगी, रेक्टेंगल बनेगी यानी आयत बनेगी। इसको स्पष्ट नोट कर लीजिएगा कि विकर्णों के कोण समद्विभाजक से बनी आकृति क्या कहलाती है, आयत कहलाती है। इतना पॉइंट, पांच पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका पेरीमीटर भी याद कर लीजिएगा, इसका क्षेत्रफल भी याद कर लीजिएगा। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका पेरीमीटर, इस पांच पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। समांतर चतुर्भुज में आपको दिक्कत कभी नहीं होगी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में, बाकी अदर एग्जाम में भी यहाँ ये हेल्पफुल होगा। आज इसके बाद से हम लोग लेके चलते हैं आयत को। दूसरा टॉपिक हम लोग का क्या है, दूसरा टॉपिक हम लोग का है आयत, आयत रेक्टेंगल आयत है। आयत के बारे में सब जानते हैं। देखिए बेटा ये बोर्ड छोटा है, चौक है, कभी मैंने चौक से पढ़ाया नहीं है, बोर्ड छोटा है और ऑनलाइन बहुत ज्यादा हम पढ़ाते नहीं, ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस मेरी नहीं चलती, ऑफलाइन चलती। ऑफलाइन पढ़ाने में ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत सी डिफरेंस होता है। अगर बच्चों के सामने बोलना हो, आप अगर सामने हमारे बैठे हो तो आपको पढ़ाने में कुछ आनंद ही अलग होता है, लेकिन आप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो, कैमरे के सामने पढ़ाना हो, थोड़ी बहुत हेजिटेशन बाकी चीज़ें होती है। ऑनलाइन वही पढ़ा सकता है जिसका रेगुलर का काम हो, ये जिसने ही कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, जो डेली यही काम करता है वो बेहतर तरीके से आपको टीच कर सकता है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर तरीके से सब कुछ दूँ। और बोर्ड छोटा है, चौक है, मैं उतना तक प्रयास कर रहा हूँ जितना आपको दे सकूँ, आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहतर हो। आप नोट्स बनाते जाइएगा, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी, आप हमसे शेयर कर सकते हैं, आ जाइए। इसके बाद आयत के बारे में अगर बात करते हैं, हम आयत आयत के बारे में चर्चा करते हैं। इसके भी कुछ गुण होते हैं, ध्यान रखिएगा। समांतर चतुर्भुज में आयत में कोई फर्क बहुत ज्यादा नहीं होता, समांतर चतुर्भुज तो तिरछा होता है, आयत सीधा होता है, यानी जो भुजाएं होती हैं दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। हम आयत की बात करते हैं तो आयत हम कहते हैं कि जो आयतें बनी हुई है, आयत बनी हुई है ए बी सी और डी, आयत के भी डायगोनल्स होते हैं, आयत के भी डायगोनल्स, आयत के भी डायगोनल्स होते हैं। तो सबसे बड़ी बात हम बता दें कि ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये जो कोण बनेगा कितने डिग्री का बनेगा, ये 90 का। ये भी कोण बनेगा कितने का बनेगा, 90 का। ये भी जो कोण बनेगा कितने का बनेगा, 90 का। ये भी जो कोण बनेगा कितने का बनेगा, 90 डिग्री कोण बनता है। समांतर चतुर्भुज में यही चीजें नहीं होती हैं। समांतर चतुर्भुज भले दोनों कोण मिला के 180 हो, ये दोनों कोण मिला के 180 हो, दोनों कोण मिला के 180 हो, ये दोनों कोण मिला के 180 हो, लेकिन 90-90 का नहीं बनता है। आयत में क्या होता है, 90 क्यों बनता है, क्योंकि जो इनकी रेखाएं होती हैं एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, इसलिए 90 डिग्री बनता है। अब आयत के बारे में जानते हैं हम लोग, आयत आयत की जो हम लोग डेफिनेशन जानते हैं, तो आयत का डेफिनेशन ये कहलाता है कि एक ऐसा चतुर्भुज या एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं, जिनकी आमने सामने भुजा, आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, आयत कहलाता है। तो हम बात करते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है, यानी रेक्टेंगल का जो परिमाप होता है, जिसे परिमाप यानी पेरीमीटर की बात करते हैं, यानी परिमाप की बात करते हैं, यानी पेरीमीटर,
हम कह सकते हैं कि टू एल प्लस क्या होता है, बी होता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है यानी इसका जो एरिया होता है, एरिया होता है ए होता है हम लोग का कितना, ए होता है एल इंटू बी। इसका जो विकर्ण होता है बेटा, इसका जो विकर्ण होता है डायगोनल्स होता है, डायगोनल्स होता है ए होता है। पहले आपको बता दें हम डायगोनल्स क्या होता है, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पाइथागोरस पर मे लगता है। आप अगर बात करें हम लोग ये डायगोनल्स यहाँ पे खींच रहे हैं तो ये त्रिभुज का काम कर रहा है, ये त्रिभुज का काम कर रहे हैं। 90 डिग्री है तो शायद ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, एल का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, बी का स्क्वायर की बात करते हैं। ये तीन चीज याद कर लेगा, परिमाप होता है टू एल प्लस बी, टू ब्रैकेट में एल प्लस बी, क्षेत्रफल एरिया होता है एल इंटू बी, और विकर्ण होता है डायगोनल्स होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, इसका डायगोनल्स ये होता है। ये तीन चीज याद कर लीजिएगा, तीन चीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद जो कंडीशन हम लोग की होंगी, शर्त होंगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि कंडीशन ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसकी शर्त, इनकी कंडीशन क्या होती है याद रखने की कोशिश करिएगा। पहला जो डायगोनल्स होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये 90 के सामने भी है, 90 के सामने है तो बराबर होना ही होना है। यही समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते रहे थे, लेकिन ये जो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स है आपस में क्या है, बराबर है। कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए, क्या रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी इक्वल होते हैं, तो आप कह सकते हैं यस, रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो होते हैं इक्वल्स होते हैं, तो आपका जवाब यस होना चाहिए। दूसरा, ए भी विकर्ण जो होता है, विकर्ण कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक नहीं होते हैं, यानी विकर्ण क्या होते हैं, कोण समद्विभाजक नहीं होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं एंगल बाई सेक्टर होते हैं, कोण समद्विभाजक को इंग्लिश में कहते हैं, एंगल बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि क्या रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं क्या एंगल बाई सेक्टर होते हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं। जो रेक्टेंगल होता है उसका जो डायगोनल्स होते हैं एंगल बाई सेक्टर नहीं होते हैं, और न समांतर चतुर्भुज के होते हैं, एंगल बाई सेक्टर नहीं होता है। बस याद कर लीजिए, केवल स्क्वायर का यानी वर्ग का और रोम्बस का, रोम्बस जो होता है समचतुर्भुज, इसके जो डायगोनल्स होते हैं एंगल बाई सेक्टर होते हैं, बाकी किसी भी चतुर्भुज के यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल्स होता है एंगल बाई सेक्टर नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा पूछा जाएगा विकर्ण से ही क्वेश्चन, यानी डायगोनल से ही विकर्ण लंब समद्विभाजक, लंब होते हैं, लंब समद्विभाजक मतलब पर क्या परपेंडिकुलर होता है डायगोनल्स, लंब समद्विभाजक नहीं होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्या विकर्ण एक दूसरे के, जो रेक्टेंगल के विकर्ण हैं, जो क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर डिवाइड करते हैं, तो आप कह सकते हो नहीं, यानी जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स से एक दूसरे को परपेंडिकुलरली डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे बहुत बच्चों का कमेंट आता है, बहुत बच्चे हमसे पूछते रहते हैं, क्लास में भी पूछते रहते हैं कि सर ये बताइए कि स्क्वायर में 90 का बनता है लेकिन यहाँ 90 नहीं बनता है। जैसे कि हम आयत यहाँ बना दे रहे हैं, आयत की यहाँ बात कर रहे हैं, तो जो डायगोनल्स हो गए आपके, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, चाहे ए बी सी और डी, तो जो पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है तो
ए क्या लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर होगा तो 90 का बनाएगा, लेकिन अगर ए आयत है तो नहीं होगा, ए आयत है तो नहीं होगा, यह स्क्वायर होता तो होता, आयत में नहीं होता। यही आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जो विकर्ण है, जो डायगोनल्स हैं, आयत के डायगोनल्स हैं, क्या परपेंडिकुलरली डिवाइड करते हैं दूसरे को, तो आप कह सकते हो नहीं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये तीन चीजें आप एकदम कंफर्म याद रखिएगा, तीन चार चीज एकदम याद रखिएगा कि विकर्ण लंब समद्विभाजक नहीं होते हैं, लंब समद्विभाजक नहीं होते हैं। और चौथा हम लिखवा दे रहे हैं, विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी समान पार्टों में क्या करते हैं, एक दूसरे को विभाजित करते हैं। यानी यहां जब पार्ट बांटेंगे तो इसको दो भाग होगा, ये भी क्या होगा, समान भाग होगा, यानी एक दूसरे को समान भागों में विभाजित करते हैं। ये चार टॉपिक है आयत में, इसको नोट कर लीजिएगा। एरिया और पेरीमीटर आपने देखा ही देखा, और विकर्ण यानी डायगोनल्स देखा, डायगोनल्स का फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया था। उसके बाद चार पॉइंट आप क्वेश्चन के रूप में याद कर लेना कि विकर्ण यानी डायगोनल्स होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद विकर्ण कोण समद्विभाजक नहीं होता है, यानी विकर्ण जो होता है कोण समद्विभाजक नहीं होता है, यानी एंगल बाई सेक्टर नहीं होता है। विकर्ण लंब समद्विभाजक नहीं होता है, यानी विकर्ण जो यानी डायगोनल्स है कभी एक दूसरे को परपेंडिकुलरली डिवाइड नहीं कर सकते हैं, विकर्ण समद्विभाजक होते हैं, विकर्ण यानी दूसरे को समान सेम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कर सकते हैं इक्वल डिवाइड कर सकते हैं। ये याद कर लीजिएगा, फिर आ जाइए। इसके बाद से अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, इसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोग का है, आयत के बाद से स्क्वायर है, स्क्वायर में बहुत ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है, यानी स्क्वायर यानी कर सकते हैं वर्ग, वर्ग में हमको बहुत ज्यादा हेड डाल लीजिएगा स्क्वायर, यानी वर्ग में भी हमको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, वर्ग में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। वर्ग में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में आपको हम बता दे रहे हैं। पहले बात, फिगर बना दे, ए हो गया, बी सी और डी, इसके डायगोनल्स हो गए, इसके डायगोनल्स हो गए, ये चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर, ए भी ए होगा, ए भी ए होगा, ए भी ए होगा, ए भी क्या होगा, ए होगा। हम कह सकते हैं एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग पूछते हैं क्या आयत वर्ग होता है, तो हम कह सकते हैं आयत वर्ग हो सकती है, वर्ग आयत नहीं हो सकती है, क्योंकि वर्ग का ही डेफिनेशन हम लोग कई जगह मिल जाता है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। वर्ग यानी स्क्वायर का जो डेफिनेशन होता है आयत से डिफाइन किया जाता है, कहा जाता है कैसा आयत, यानी वर्ग को भी आयत कहा जा सकता है, यानी वर्ग एक प्रकार की आयत है, यानी स्क्वायर एक प्रकार की रेक्टेंगल है, लेकिन रेक्टेंगल कभी स्क्वायर नहीं हो सकता है, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, रेक्टेंगल कभी स्क्वायर नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो हम कह सकते हैं इसका जो परिमाप होता है, इनका जो परिमाप होता है यानी पेरीमीटर जो होता है, ए क्या होता है 4a यानी चारों भुजाओं का योग, उसके बाद से क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल की बात करते हैं हम लोग, एरिया, एरिया की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं क्या होता है ए का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर कहते हैं, साइड का स्क्वायर कर सकते हैं। विकर्ण यानी डायगोनल्स होते हैं, यानी विकर्ण जो होता है ए होता है अंडर रूट 2a, ए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये जो विकर्ण है इसका मान होता है अंडर रूट 2a भुजा, ये होता है। इसके भी कुछ गुण है, उसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा गुण प्रॉपर्टी नहीं है, जो आपको पैरेललोग्राम मिला था उससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका परिमाप, क्षेत्रफल, विकर्ण हो गया। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा इसके शर्त, कंडीशन, यानी बार बार हम बता रहे हैं किसी व्यक्ति की गुण ही उसकी क्वालिटी, गुण ही क्या होती है उसकी पहचान होती है, तो वर्ग का गुण ही पहचान होगा। पहला लिख लीजिएगा, दो तीन है बस, ज्यादा नहीं, विकर्ण, विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसके विकर्ण क्या होंगे, बराबर होगा,
विकर्ण क्या होगा, बराबर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा स्क्वायर के डायगोनल्स क्या इक्वल होते हैं, तो आप कर सकते हो यस, स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरा पूछा जाए ये बताइए कि विकर्ण कोण संबंधी भाजक होते हैं, दूसरा लिख लीजिएगा विकर्ण यानी विकर्ण कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक होते हैं, समद्विभाजक को कहते हैं एंगल बाई सेक्टर। यहाँ लिख दे रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं एंगल बाई सेक्टर कोण विकर्ण कोण समद्विभाजक होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं, एंगल बाई सेक्टर होते हैं, तो आप कह सकते हो यस। क्या रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं, एंगल बाई सेक्टर होते हैं, तो नहीं। इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि हर पॉइंट नोट कर लीजिएगा, हर पॉइंट नोट करके बना लीजिएगा और कहीं साइड में एक पेज में लिख लीजिएगा, इसको रट जाइएगा आप लोग, आपके एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा। इसके बाद से तीसरा जो पार्ट है हम लोग का, विकर्ण कोण समद्विभाजक होते हैं, विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं, विकर्ण जो होते हैं ये होते हैं लंब समद्विभाजक होते हैं, यानी यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनाएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाएंगे। यानी विकर्ण क्या होते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं। अगर बोला जाए आपसे क्या स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली डिवाइड करते हैं, तो आप कह सकते हो यस, जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आयत और यानी रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के कभी नहीं करते हैं। ध्यान रखना, केवल किसके करते हैं, स्क्वायर के। उसके बाद से चौथा, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसको भी ध्यान रखना बेटा, बहुत गर्मी है, बहुत पसीना हो रहा है, मन नहीं करता है पढ़ाने का, लेकिन आप लोग का प्यार देख के लगता है कि नहीं पढ़ाना चाहिए, तो ऐसे हम मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा नोट्स बना लीजिएगा, जो भी दिक्कत होगी, जो भी परेशानी होगी, बताने की कोशिश करेगा चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन यहीं से बनाए जा सकते हैं, बाकी जो भी फिगर से क्वेश्चन बनाएंगे उसको हम बताने वाले हैं आज। इसके बाद से स्क्वायर के बाद से हम लोग बात करेंगे रोम्बस, अगला टॉपिक है, चौथा टॉपिक है रोम्बस, इसको हम लोग कह सकते हैं समचतुर्भुज, रोम्बस होता है। रोम्बस थोड़ा सा उल्टा बनता है, स्क्वायर के उल्टा बनता है। एक ऊपर से टोपी बना लेना, एक नीचे से टोपी बना लेना, ये हो गया ए, ए बी, ए सी, ए डी, एस का विकर्ण हो गया, एस का विकर्ण हो गया, ये रोम्बस हो गया भाई, ए विकर्ण हो गया, ए विकर्ण जो डी वन हो गया, ए क्या हो गया हम लोग का डी टू, ए वाला डी वन हो गया और ए वाला डी टू हो गया। अब इसका जो परिमाप होता है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, समचतुर्भुज के ध्यान रखना, अगर समचतुर्भुज और वर्ग में अंतर इतना ही होता है कि वर्ग जो होता है, वर्ग की भुजाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, लेकिन समचतुर्भुज की भुजाएं भले बराबर हो लेकिन 90 डिग्री कोण बनाती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर कभी नहीं होती हैं, इसीलिए समचतुर्भुज वर्ग में थोड़ा बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसकी भी भुजाएं बराबर होती हैं, इसका जो परिमाप जो होता है, यानी पेरीमीटर जो होता है वो होता है 4a, यानी जैसे स्क्वायर का हुआ था, उसके बाद से इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल यानी कह सकते हैं एरिया, इसका कितना हो जाएगा भाई, हम कह सकते हैं कि इसका एरिया होता है 1/2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1/2 डी वन इंटू डी टू, यानी इसको एकदम ध्यान से रट लीजिएगा, विकर्णों का गुणनफल का आधा, विकर्णों का गुणनफल का आधा क्या होता है, इसका एरिया होता है,
विकर्णों का जो गुणनफल होता है उसका आधा क्या होता है, डायगोनल्स होते हैं, उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका हाफ क्या होता है, इसका एरिया होता है 1/2 d1 × d2 होता है इसका एरिया होता है। इसके भी कुछ शर्त है, शर्त को नोट कर लीजिएगा, ये परिमाप क्षेत्रफल आपने नोट कर लिया, इसके कुछ शर्त है, शर्त मतलब इसके क्वालिटी, इसके गुण है, इसको नोट कर लीजिएगा। शर्त में पहला शर्त, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होता, होते हैं यानी डायगोनल्स कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। डायगोनल्स इक्वल कहाँ कहाँ होंगे, केवल रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, डायगोनल्स केवल इसी में इक्वल हो सकता है, बाकी कहीं इक्वल नहीं हो सकता। पहले भी मैंने बताया आप लोगों को, डायगोनल्स कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। दूसरा, ये कोण समद्विभाजक होते हैं, विकर्ण जो होते हैं क्या होते हैं, विकर्ण कोण समद्विभाजक विकर्ण कोण समद्विभाजक होते हैं। यानी एंगल बाइसेक्टर होते हैं। तीसरा, विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं। यानी यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री। विकर्ण एक दूसरे को जहां काटेंगे वहां कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी विकर्ण, इसको याद रखिएगा हमेशा, ये जो विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, केवल स्क्वायर में होते हैं, और कहाँ होते हैं, रोम्बस में होते हैं, बाकी और कहीं नहीं होते हैं। विकर्ण जो होते हैं कोण समद्विभाजक होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण जो होता है बराबर नहीं होता है, विकर्ण जो होता है लंब समद्विभाजक होता है। इस तीन चीज को आप लोग याद करिएगा। आ जाइए अगली कंडीशन, अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम है जिसको हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब समलंब चतुर्भुज थोड़ा ध्यान रखना है, समलंब चतुर्भुज में एक दो चीजें जानना बहुत जरूरी है, एक दो चीजें जानना बहुत जरूरी है, वहीं हम बात करेंगे, बाकी और कुछ बात एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे। समलंब चतुर्भुज में बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस उतना बात करना है जितना आप बचा सको, जितना हम बता सके आपको। जैसे कि समलंब चतुर्भुज से स्पष्ट होता है कि समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिनकी दो भुजाएं आपस में दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, अगर इसकी बात करें ए की, इसको बात करें बी की, इसकी सी की और डी की, तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। ये भुजाएं अपनी क्या होंगी, समांतर होगी लेकिन इक्वल नहीं होगी, लेकिन ये क्या होगी, ना समांतर होगी ना इक्वल होगी। जैसे हम बात करते हैं कि ए डी पैरेलल बी सी, लेकिन ए डी नॉट इक्वल टू बी सी, ध्यान रखना। और जो होगा ए डी ए बी नॉट इक्वल टू डी सी, यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिनकी दो भुजाएं समांतर हो तथा दो भुजाएं असमान हो, समलंब चतुर्भुज कहलाती है, यानी ट्रेपीजियम कहलाती है। इसका जो परिमाप होता है भुजाओं का योग ही होता है, जो परिमाप होता है भुजाओं का योग ही होता है। मैंने बोला कि 1 2 3 4 4 भुजाएं, भुजाओं का योग, जो भी मापक दिया होगा, जो भी पैमाना दिया होगा, वही उसका योग हो जाएगा, उसके बाद योग हो क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल होगा, अगर हम बात करते हैं इसकी जो ऊंचाई होती है, दो समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी होती है क्या होती है, ऊंचाई होती है, यही इसकी ऊंचाई हो जाती है। इसको पी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं। तो हम कह सकते हैं इसका क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल होता है
इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2, इसका एरिया जो होगा आपका क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, सॉरी रुक जाओ, इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया जो होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी कभी दे सकता है, देता है कि दो समांतर भुजाओं की लंबाई इतना इतना है क्रमशः और उनके बीच की दूरी इतना है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। समांतर भुजाओं और ऊंचाई क्या होगी, जो इनके बीच की दूरी होगी वही ऊंचाई माना जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पे। इसको ध्यान रख के इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ से बस आप लोग को एरिया ही बताना था मुझे, बाकी बहुत ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करना है, इसके कंडीशंस के बारे में बहुत ज्यादा आपको नहीं बताना है, बस इतना ही आपको चर्चा करना था। बाकी नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं घन, घनाभ, क्यूब, क्यूबॉइड, गोला, शंकु, बेलन के बारे में हम चर्चा करेंगे, उन पे हम डिस्कस करेंगे। बाकी उसके बाद ज्योमेट्री को लेकर आगे बढ़ाएंगे, ये टॉपिक है हम लोग का, इसको ध्यान रख के पढ़िएगा। बाकी चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।